अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हम डिस्कस कर रहे हैं कि एक गैल्वेनोमीटर को हम किस तरह से एक एमीटर में कन्वर्ट करते हैं ऑफ गिवन रेंज। हाउ टू कन्वर्ट अ गिवन गैल्वेनोमीटर इनटू एन एमीटर ऑफ गिवन रेंज। इससे पहले पार्ट फर्स्ट वीडियो लेक्चर का पार्ट फर्स्ट है, उसमें हमने डिस्कस किया है एक गैल्वेनोमीटर की रेजिस्टेंस क्या होती है, उसका फिगर ऑफ मेरिट किसको कहते हैं, इसी तरह से फिर हमने उसका रेंज भी डिस्कस किया है। ठीक है, तो अब हम देखेंगे एक गैल्वेनोमीटर को किस तरह से एक एमीटर में कन्वर्ट किया जाता है। तो उससे पहले हम पहले देखेंगे कि यानी जो गैल्वेनोमीटर है उससे हम किस तरह से करंट मेजर करते हैं। ठीक है, तो लेट्स कंसीडर अ गैल्वेनोमीटर। तो यहाँ पे डायग्राम मैंने दिखाई है, जो यहाँ पे गैल्वेनोमीटर हमारे पास अवेलेबल है ये हम कंसिडर करेंगे। बराबर इस तरह से स्केल दिखाई मैंने, दीज आर द टू टर्मिनल्स। ओके, ऑन द राइट साइड देयर आर 30 रीजियंस एंड देयर आर इक्वल नंबर ऑफ रीजियंस ऑन द लेफ्ट साइड। ओके, तो ये पहले मैंने बता दिया। तो इसकी रेजिस्टेंस हमने पहले ही बता दी, इसकी रेजिस्टेंस के बारे में। तो इसकी रेजिस्टेंस हम यहाँ पे लिखेंगे, पहले हम कंसिडर करेंगे ये गैल्वेनोमीटर। तो इसकी रेजिस्टेंस क्या है, रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर वो जी से रिप्रेजेंट करते हैं हम, एंड कैपिटल जी इट इज इक्वल टू व्हाट, यानी कि हम एज्यूम करेंगे जैसे कि यहाँ पे गैल्वेनोमीटर है, इसकी रेजिस्टेंस हमने पहले मीटर से हमने मेजर की है इसकी। ठीक है, इसकी रेजिस्टेंस निकली थी तकरीबन 54 ओम। तो फॉर आवर कन्वीनियंस वी विल सपोज द रेजिस्टेंस ऑफ द गैल्वेनोमीटर इज 60 ओम। सपोज 60 ओम द रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर। ठीक है, ओके, एंड नाउ इसके बाद फिगर ऑफ मेरिट, फिगर ऑफ मेरिट वो हमने पहले ही डिस्कस किया है। एंड लेट मी टेल यू वन थिंग हियर, हमें एक गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कन्वर्ट करना है। जो भी गैल्वेनोमीटर्स अवेलेबल होते हैं लेबोरेटरी में, आमतौर पर उन पे लिखा होता है कि उसका उसकी रेजिस्टेंस कितनी है, फिगर ऑफ मेरिट कितना है। मगर जो मेरे पास अवेलेबल है इस पे नहीं लिखा है, इसकी रेजिस्टेंस लिखी है ना, फिगर ऑफ मेरिट लिखा है। ऐसे भी गैल्वेनोमीटर्स होते हैं जिन पे नहीं लिखा होता है, तो बहुत सारे गैल्वेनोमीटर्स ऐसे हैं जिन पे लिखा होता है। ठीक है, तो अगर नहीं लिखा है तो सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें इसकी रेजिस्टेंस मेजर करनी और इसका जो फिगर ऑफ मेरिट वो हमें बताना है, वो हमें मेजर करना है, वो हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा पहले। ठीक है, तो रेजिस्टेंस कैसे मेजर करेंगे, या हमारे पास एक मीटर होता है मल्टीमीटर, इसकी मदद से हम रेजिस्टेंस मेजर कर सकते हैं। ठीक है, तो फिगर ऑफ मेरिट कैसे मेजर करेंगे, हमारे पास एक मेथड है जिसको हम कहते हैं हॉफ डिफ्लेक्शन मेथड। तो हाफ डिफ्लेक्शन मेथड एक एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा, उसमें जो मेथड हम फॉलो करेंगे उसको कहते हैं हाफ डिफ्लेक्शन मेथड। उस हाफ डिफ्लेक्शन मेथड से हम गैल्वेनोमीटर की रेजिस्टेंस भी मेजर कर सकते हैं और इसका जो फिगर ऑफ मेरिट है वो भी मेजर हम कर सकते हैं। इज दिस क्लियर टू यू? तो वो हाफ डिफ्लेक्शन मेथड क्या है वो यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे हम, क्योंकि इसके लिए टॉपिक खत्म होने के बाद हम वो एक्सपेरिमेंट दिखाएंगे, क्योंकि वो सिलेबस में भी है। तो वो हमें वो दिखाएंगे कैसे करना है, किस तरह से फिर रेजिस्टेंस एंड एज वेल एज फिगर ऑफ मेरिट हम कैलकुलेट करते हैं ऑफ ए गिवन गैल्वेनोमीटर विद द हेल्प ऑफ द हाफ डिफ्लेक्शन मेथड। इज दिस क्लियर टू यू? वो उसी वक्त होगा। तो फिगर ऑफ मेरिट आमतौर पर जो होता है गैल्वेनोमीटर का, या ये 10 माइक्रो एम्पियर पर डिवीजन होता है, 15 माइक्रो एम्पियर पर डिवीजन, 18 माइक्रो एम्पियर पर डिवीजन, 20 माइक्रो एम्पियर पर डिवीजन, डिफरेंट वैल्यूज का होता है। ठीक है ना, तो यहाँ पे हम एज्यूम करेंगे जो हमारे पास गैल्वेनोमीटर आमतौर पर जो होता है, जो अवेलेबल होते हैं गैल्वेनोमीटर्स लेबोरेटरी में, उनका जो फिगर ऑफ मेरिट होता है उन पे लिखा होता है वो होता है तकरीबन 20 माइक्रो एम्पियर पर डिवीजन। और डिवीजन से बुरा ये है जब पॉइंटर फर्स्ट डिवीजन पे होगी, जब पॉइंटर होगा कहाँ पे, पॉइंटर ऑफ गैल्वेनोमीटर होगा कहाँ पे, फर्स्ट डिवीजन पे, उस वक्त गैल्वेनोमीटर में कितनी करंट होगी, दैट इज कॉल्ड फिगर ऑफ मेरिट, जो हमने पहले डिस्कस किया है। तो यहाँ पे इन दिस गैल्वेनोमीटर जो हमने यहाँ पे रिज्यूम किया है, इसका फिगर ऑफ मेरिट 20 माइक्रो एम्पियर है। तो इसका मतलब है जब पॉइंटर फर्स्ट डिवीजन पे होगा उस वक्त करंट कितनी होगी माइक्रो एम्पियर में, दिस गैल्वेनोमीटर में वो होगी 20 माइक्रो एम्पियर। इज क्लियर? ओके, अब देखेंगे इसका रेंज। पहले लिखेंगे यहां पे नंबर ऑफ डिविजन्स। अब इसमें टोटल नंबर ऑफ डिविजन्स कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ डिविजन्स एन से रिप्रेजेंट किया जाता है। इसमें कितने डिविजन्स हैं, देयर आर 30 डिविजन्स ऑन ईदर साइड, तो 60 नहीं ले सकते जैसे पहले मैंने बता दिया, 30 ही लेंगे।
जब ये डिफ्लेक्ट होगा थ्रू फुल स्केल डिफ्लेक्शन, या ये होगा टुवर्ड्स लेफ्ट या होगा टुवर्ड्स राइट, जीरो से मगर जीरो से यहां तक ये डिफ्लेक्ट होगा तो 30 डिवीजन, दिस कॉल्ड फुल स्केल डिफ्लेक्शन। या यहां से यहां तक डिफ्लेक्ट होगा, अगेन दिस कॉल्ड फुल स्केल डिफ्लेक्शन टुवर्ड्स लेफ्ट, अगेन थ्रू 30 डिवीजन। इज दिस क्लियर टू यू? तो हाउ मेनी टोटल नंबर ऑफ डिवीजन आर देयर? देयरफॉर 30 ओनली, नॉट 60, ठीक है ना? या ये 30 कंसिडर कर रहे हैं या ये 30 कंसिडर कर रहे हैं। सो 30 डिवीजन आर देयर, देयरफॉर रेंज ऑफ द गैल्वेनोमीटर, तो इसका रेंज कितना होगा, यानी कि मैक्सिमम करंट हम कितनी मेजर कर सकते हैं, वो किसके बराबर होता है? एन इंटू के। व्हाट इज एन? एन इज द टोटल नंबर ऑफ डिवीजन इन द गैल्वेनोमीटर, एंड के इज द फिगर ऑफ मेरिट ऑफ द गैल्वेनोमीटर। इससे मल्टीप्लाई कीजिए, यू विल गेट द रेंज। सो व्हाट इज एन? 20, एंड व्हाट इज के? इट इज 30, एंड यू विल गेट हियर 600 माइक्रो एम्पियर। इज दिस क्लियर? दिस इज द रेंज, दिस इज द मैक्सिमम करंट विच कैन बी मेजर बाय द गैल्वेनोमीटर। यू तो अब हम अगर ये गैल्वेनोमीटर हम यूज करेंगे, यानी कि इसकी मदद से हम कितनी करंट मेजर कर सकते हैं? 600 माइक्रोएम्पियर, और मिनिमम करंट कितनी मेजर होगी इससे? दैट इज 20 माइक्रोएम्पियर। 20 माइक्रोएम्पियर से लेकर 600 माइक्रोएम्पियर तक हम इसकी मदद से करंट मेजर कर सकते हैं। इज दिस क्लियर टू यू? ओके, अब इसके लिए अगर हम यूज करेंगे गैल्वेनोमीटर एज एन यूज करेंगे टू मेजर करंट, तो ये सीरीज में कनेक्ट करना पड़ेगा सर्किट में। अब हम इसको सीरीज में कनेक्ट करेंगे, यहां से एक टर्मिनल, तो यहां से दूसरा टर्मिनल, मान लीजिए यहां से करंट आ रही है आई। इज दिस क्लियर टू? अगर ये आई करंट विच इज टू बी मेजर इज लेस देन और इक्वल टू द रेंज ऑफ द गैल्वेनोमीटर मैक्सिमम करंट, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय आई जी। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय आई जी। व्हाट इज आई जी? I is the maximum current which can be measured for by the galvanometer for which galvanometer shows full scale deflection. Is this clear? So IG, this is IG here. Agar I, the current which is to be what measured is less than or equal to IG. IG se kam ya IG ke barabar ho, then we can use the galvanometer directly without making any change in the galvanometer. Isme koi change ka tabdili nahi lani hai, hum directly ye use kar sakte hain under this condition. अगर सर्किट करंट कितनी होगी इक्वल और लेस देन आईजी, तब हम डायरेक्टली हम ये यूज कर सकते हैं। इस क्लियर टू? जब हम डायरेक्टली यूज करेंगे सर्किट में, अगर उसकी करंट कम होगी लेस देन आईजी, तब इसके लिए जो स्केल होगी वो इस तरह से होगी, वो मैं दिखा दूंगा यहाँ पर स्केल्स की, वो डिफरेंट होगी। फिर डिजनस इतने होंगे, मगर ये रीड करेगा डिफरेंट करंट, डिविजन इतने होंगे मगर स्केल इस तरह से होगी। हर एक डिविजन रिप्रेजेंट करेगा कुछ करंट, ये स्केल है यहां पे मैं दिखा दूंगा। ओके, अब पहले पॉइंटर कहां पे है? जीरो डिविजन पे। जब पॉइंटर जीरो डिविजन पे है तो उस वक्त करंट कितनी होगी? करंट के लिए यहां पे ये स्केल में दिखा दूंगा, ये जीरो डिवीजन पे है, यहां पे दिस इज जीरो डिवीजन, उस वक्त दिस इज स्केल फॉर द मेजरमेंट ऑफ करंट डायरेक्टली, ठीक है ना? कौन करेगा? गैल्वेनोमीटर, ठीक है? करंट थ्रू द गैल्वेनोमीटर, वो यहां से हम दिखाएंगे स्केल क्या होगी, ठीक है? तो जब जीरो पे होगा तो उस वक्त करंट भी जीरो होगी, यहां पे दिखाएंगे जीरो करंट, ठीक है? अब जब पॉइंटर होगा फर्स्ट डिवीजन पे, यहां पे इसको प्रोड्यूस करेंगे आगे इस तरह से, इसको हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, फर्स्ट डिवीजन पे है, उस वक्त करंट कितनी है फर्स्ट डिवीजन पे? 20 माइक्रो एम्पियर। यहां पे लिखेंगे 20 माइक्रो एम्पियर इज द करंट, 20 माइक्रो एम्पियर। अब हमने ये सीरीज में कनेक्ट कर दिया सर्किट में, पॉइंटर फर्स्ट डिवीजन पे है मीन्स 20 माइक्रो एम्पियर करंट। अब इसी तरह से अगर सेकंड डिवीजन पे है 2 × 20 40 माइक्रो एम्पियर, थर्ड डिवीजन पे 60 माइक्रो एम्पियर, इसी सो ऑन। अगर 10th डिवीजन पे होगा तो ये प्रोड्यूस करेंगे इस तरह से, ये स्केल होगी, तो 10th डिवीजन रिप्रेजेंट करेगा उस वक्त डायरेक्टली गैल्वेनोमीटर की स्केल जो होगी वो इस तरह से होगी, यहां पे होगा 20 × 10 वो होगा
200 यहां पे करंट होगी 200 माइक्रो एम्पियर। जब पॉइंटर होगा गैलोमीटर के 10th डिवीजन पे तो गैलोमीटर उस वक्त कितनी करंट रीड करेगा 200 माइक्रो एम्पियर। ऐसे इसी तरह से जब ये होगा किस डिवीजन पे 20th डिवीजन पे, इसी तरह से 30th डिवीजन लास्ट डिवीजन पे, तो उस वक्त कितनी करंट होगी यहां पे होगी 400 माइक्रो एम्पियर, यहां पे होगी 600 माइक्रो एम्पियर, जिसको हम कहते हैं रेंज मैक्सिमम करंट विच कैन बी मेजर बाय द गैलोमीटर, इट इज कॉल्ड आईजी, दिस इज आईजी, आईजी इज कॉल्ड 600 माइक्रो एम्पियर। इज दिस क्लियर? ये मैंने दिखा दिया। ओके तो अगर हम गैलोमीटर डायरेक्टली सर्किट में यूज करेंगे विदाउट मेकिंग एनी चेंज इन द गैलोमीटर तो गैलोमीटर इस तरह से रीड करेगा, जब फर्स्ट डिवीजन पे होगी यही गैलोमीटर तो 20 माइक्रो एम्पियर, इसी तरह 10th डिवीजन पे 200, 20th डिवीजन पे 400 माइक्रो एम्पियर एंड 600 माइक्रो एम्पियर, ये होगी स्केल, ऐसी स्केल यहां भी बनेगी। इज दिस क्लियर? लेफ्ट साइड भी ऐसी स्केल बनेगी। अब हम क्या करेंगे? इज दिस क्लियर? तो इसमें कोई चेंज नहीं लानी है तो हम डायरेक्टली गैलोमीटर यूज कर सकते हैं अगर करंट सर्किट करंट द करंट विच इज टू बी मेजर होगी लेस देन और इक्वल टू आईजी। इज दिस क्लियर? ओके। अब यहां पे मसला है, अब जो करंट मेजर करनी है अगर वो ज्यादा होगी, इफ द करंट टू बी मेजर्ड इज ग्रेटर देन, इफ करंट टू बी मेजर्ड इज ग्रेटर देन आईजी या मच ग्रेटर देन और ग्रेटर देन आईजी, ठीक है, या ग्रेटर देन कहेंगे या मच ग्रेटर देन कहेंगे आईजी, अंडर दिस कंडीशन वी कॉन्ट यूज द गैलोमीटर डायरेक्टली सर्किट में, हम डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते क्योंकि जब आईजी करंट आएगी यहां तक पॉइंटर होगा उसके बाद यहां पे स्टॉपर लगा होता है, इसी तरह से यहां पे भी स्टॉपर लगा होता है लेफ्ट साइड, जब करंट जो मेजर करनी है जब वो 30 यानी कि 600 माइक्रो एम्पियर से ज्यादा करंट होगी तो पॉइंटर जाएगा बियॉन्ड 30 डिजिट, तो वहां स्केल नहीं लगी है, वहां स्टॉपर लगा है, तो उसके बाद हम वो करंट मेजर नहीं कर सकते हैं, यानी कि हम नहीं बता सकते, हम कह सकते इट इज अबो 600 माइक्रो एम्पियर बट वी कॉन्ट से वॉट इज द वैल्यू ऑफ करंट, ठीक है ना, एग्जैक्ट वैल्यू क्या है, इज इज क्लियर? तो वहां पे हम गैलोमीटर, अब अगर ये एम्पियर्स में करंट होगी, बहुत ज्यादा करंट होगी, स्ट्रांग करंट होगी, जब हम वो करंट इसमें पास करेंगे आफ्टर 5 सेकंड्स द गैलोमीटर विल बी नो मोर, जैसे पहले मैंने बता दिया ये जल जाएगा जल्दी, ठीक है ना। अब हम क्या करते हैं, अब हम क्या करेंगे स्ट्रांग करंट मेजर करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यही गैलोमीटर यूज करेंगे। अगर एम्पियर्स में करंट मेजर करनी है अगेन वी विल यूज द सेम इंस्ट्रूमेंट सेम डिवाइस गैलोमीटर, बट फर्स्ट वी विल मेक सम चेंज इन द गैलोमीटर, कुछ चेंज हम करेंगे इसमें, ठीक है ना, ताकि जो करंट यहां से आ जाए उससे इस पे कोई फर्क न पड़े। इज दिस क्लियर टू यू? तो इसको समझने के लिए तो मैं यहां पे बता दूंगा, सबसे पहले मैं लिखूंगा यहां पे इसकी रेजिस्टेंस जी कितनी है, हमने जो की थी 60 ओम, इसका फिगर हमने कितना है 20 माइक्रो एम्पियर पर डिवीजन, ओके इसका रेंज कितना है 600 माइक्रो एम्पियर, या हम देख सकते हैं माइक्रो इसको कन्वर्ट कीजिए बिकम 6 × 10⁻⁴ एम्पियर एम्पियर में, इस तरह से भी दिख सकते हैं। ओके ये पहले नोट करके रखनी है क्योंकि जिस गैलोमीटर को कन्वर्ट कर रहे हैं ये सब ये चीजें हमें पहले से ही पता होनी चाहिए तब जाके हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं इन एन एमीटर ऑफ गिवन रेंज। इज दिस क्लियर? ओके अब देखिए यहाँ पे अब स्ट्रॉन्ग करंट इसी की मदद से कैसे मेजर करते हैं तो इसमें थोड़ी सी चेंज करनी पड़ेगी तो मैं यहां पे समझा दूंगा। एक वायर यहां से है इसमें से करंट फ्लो हो रही है, अब यहां पे मान लीजिए एक जंक्शन है यहां से देयर आर टू सेपरेट पाथ्स फॉर द फ्लो ऑफ करंट, कुछ करंट यहां से निकलेगी कुछ करंट यहां से निकलेगी, फिर यहां से इस पाथ में भी रेजिस्टेंस होगी कुछ इस पाथ में भी कुछ रेजिस्टेंस होगी, उसके बाद ये दोनों पाथ्स आपस में मिलते हैं तो ये जितनी करंट यहां से आई उतनी करंट यहां से टोटल करंट निकलेगी। इस क्लियर? ओके अब यहां से कितनी करंट जाएगी यहां से कितनी ये डिवाइड हो जाएगा इस जंक्शन पे एट जंक्शन पे इस जंक्शन बी बी पे दोबारा ये मीट करेंगे टोटल करंट फिर से वही आई होगी अगर लॉ ऑफ दिस
किरचॉफ्स करंट लॉ, ठीक है ना, जिसको करंट लॉ कहते हैं हम, ओके, या जंक्शन लॉ जिसको हम कहते हैं। तो यहां पे क्या होगा, करंट डिवाइड होगी। मान लीजिए अगर आई वन करंट यहां से निकलेगी, यहां से निकलेगी आई माइनस आई वन, या इस तरह से हम कहेंगे, मान लीजिए यहां से आ रही है 3 एम्पियर करंट, आई इज इक्वल 3 एम्पियर, तो यहां से हो सकता है 1 एम्पियर निकले, यहां से 2 एम्पियर निकले, यहां से 2 एम्पियर निकले, यहां से 1 एम्पियर निकले, यहां से हाफ निकले, यहां से हाफ। ये किस पे डिपेंड है? इट डिपेंड्स अपॉन द रेजिस्टेंस ऑफ दीज टू रेजिस्टर्स विच आर कनेक्टेड बाय अ टीचर। अब अगर इन दोनों की रेजिस्टेंस सेम है, दिस इज आर वन, दिस इज आर वन, इफ आर टू, इफ आर वन इज इक्वल टू आर टू, दोनों की रेजिस्टेंस सेम है, अगर ये 2 ओम है, मान लीजिए ये भी 2 ओम रेजिस्टेंस है, तो होगा क्या, तो उस वक्त ये करंट बराबर डिवाइड हो जाएगी 2 पार्ट्स में, इक्वल है, ठीक है ना। यहाँ पे 1.5 एम्पियर करंट जाएगी, यहां से भी 1.5 एम्पियर करंट जाएगी। अब अगर ये 1 ओम होगी, ये मान लीजिए 2 ओम है, यहाँ पे डबल रेजिस्टेंस है, यहाँ पे सिंगल डबल रेजिस्टेंस है एज कम्पेयर टू आर वन, ठीक है ना। तो उस वक्त यहां से ज्यादा करंट जाएगी, सपोज 2 एम्पियर, यहां से 1 एम्पियर करंट जाएगी, इज दिस क्लियर। तो करंट ज्यादा कहां से जाएगी, करंट ज्यादा करंट उस पाथ से जाएगी जिस पाथ में रेजिस्टेंस कम होगी। करंट यानी कि मोस्ट करंट विल फॉलो ए लो रेजिस्टेंस पाथ, इट विल गो थ्रू द लो रेजिस्टेंस पाथ, ठीक है। अब यहां पे रेजिस्टेंस कम है, यहां से ज्यादा करंट निकलेगी, यहां रेजिस्टेंस ज्यादा है, इसे कम ही निकलेगी, डबल रेजिस्टेंस है, हाफ भी करंट निकलेगी यहां से, दिस इज क्रिएट यू। तो ये किस हिसाब से ये करंट यहां पे डिवाइड हो जाएगी बिटवीन दीज टू रेजिस्टर्स, इट डिपेंड्स अपॉन द रेजिस्टेंस ऑफ दीज टू रेजिस्टर्स। एज द टू रेजिस्टर्स आर कनेक्टेड पैरेलल टू ईच अदर, देयरफॉर पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच रेजिस्टर बराबर होगा, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस V1 है वो होगा बराबर, इसके अक्रॉस जो होगा दैट इज V2, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ इज इक्वल टू I1 R1, अकॉर्डिंग दिस रेजिस्टेंस इट इज इक्वल टू I2 R2, इज दिस क्लियर, ओके। I1 यहां पे रखेंगे, शिफ्ट दिस I2 टू द लेफ्ट साइड, नीचे जाएगा, यहां पे R2 है, इसको लेफ्ट राइट साइड शिफ्ट कीजिए, ये नीचे जाएगा। दिस शोज दैट जो करंट हो फ्लो होगी I1 करंट यहां से निकलेगी, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R1, ठीक है ना। इसकी रेजिस्टेंस कितनी है, ठीक है ना, अगर ज्यादा रेजिस्टेंस होगी यहां से तो यहां से काम करंट जाएगी, तो इस रेशियो के हिसाब से ये करंट डिवाइड हो जाएगी बिटवीन दीज टू रेजिस्टर्स, एज इज क्लियर यू, ये फार्मूला इसके लिए। तो वन थिंग इज क्लियर हियर, तो कहने का मुद्दा यहां पे ये है, तो जो करंट डिवाइड होगी बिटवीन दीज टू रेजिस्टर्स, इट डिपेंड्स ऑन व्हाट, रेजिस्टेंस ऑफ दीज टू वायर्स, ठीक है। अगर ये 2 ओम रेजिस्टेंस है, ये 1 ओम रेजिस्टेंस है, तो यहां से 2 एम्पियर करंट निकलेगी, यहां से 1 एम्पियर करंट निकलेगी। अगर हम इस तो ये रेजिस्टेंस और कम करेंगे हाफ एम्पियर, तो यहां से करंट और बढ़ेगी, यहां से कम हो जाएगी, जितनी हम यहां से रेजिस्टेंस कम करते जाएंगे, यहां से करंट कम होगी, यहां से ज्यादा बढ़ेगी, ठीक है ना, इज क्लियर टू यू। सेम इज केस हियर, अब यहां से करंट जो आ रही है इट इज ग्रेटर देन IG, इट इज ग्रेटर देन 600 माइक्रो एम्पियर। अगर ये डायरेक्टली करंट इसमें जाएगी, ये रीड होगी और ये गैल्वेनोमीटर भी जल जाएगा, इज क्लियर टू यू। तो अब हम क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं करंट इसको मेजर करना है, ये पास होनी चाहिए, मगर गैल्वेनोमीटर को कोई नुकसान नहीं होना चाहिए और ये रीड भी करनी चाहिए कितनी करंट आ रही है। तो इसके लिए एक तरीका है, हम क्या करेंगे, जो ये यहां से करंट आ रही है इसकी पाथ हम डाइवर्ट करेंगे, कैसे, इस तरह से नीचे से एक और रजिस्टर कनेक्ट करेंगे, और ये कनेक्ट रजिस्टर लाइक दिस, एक रजिस्टर कनेक्ट करेंगे इस तरह से, ठीक है। इसकी रेजिस्टेंस क्या है, वो हम जी से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसकी रेजिस्टेंस क्या है, वो एस से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो यहां से कितनी, मान लीजिए यहां से जो करंट आ रही है, यहां से जो करंट आ रही है किस 3 एम्पियर करंट, कितनी करंट आ रही है 3 एम्पियर, ये बहुत स्ट्रांग करंट है। अगर ये 3 एम्पियर करंट इसमें फॉर 5 सेकंड्स पास करेंगे, आफ्टर 5 सेकंड्स इट विल बी नो मोर, इसमें से धुआं निकलेगा 3 एम्पियर करंट से, दिस इज क्लियर। अब हम क्या चाहते हैं, 3 एम्पियर करंट मेजर करनी है, ठीक है। उसके लिए अब हम क्या करेंगे, यहां पे हमने सीरीज इसके पैरेलल में हमने छोटी रेजिस्टेंस लगा दी, छोटी क्यों, अगर जितनी रेजिस्टेंस इसकी है, अगर इसकी भी उतनी होगी तो फिर क्या होगा, 1.5 एम्पियर करंट यहां से निकलेगी, 1.5 एम्पियर करंट यहां से निकलेगी, तो उससे भी फर्क नहीं पड़ेगा, 1.5 भी बहुत स्ट्रांग करंट है, उसे भी ये जलेगा, पर हम चाहते हैं खाली 600 माइक्रो एम्पियर करंट
इसमें से पास हो, यानी कि माइक्रो एम्पियर कितनी करंट होती है एक एम्पियर में, हाउ मेनी माइक्रो एम्पियर करंट्स आर देयर इन वन एम्पियर, देयर आर 10 लाख माइक्रो एम्पियर करंट, ठीक है ना, 10 माइक्रो एम्पियर करंट इज देयर इन वन एम्पियर, इज दिस क्लियर। तो आपको खुद ब खुद अंदाजा हो जाएगा इस सोलर माइक्रो एम्पियर कितनी कम करंट होती है एज कम्पेयर टू वन एम्पियर, ठीक है ना, एक एम्पियर एज कम्पेयर टू वन एम्पियर दिस करंट इज नेग्लिजिबल, तो बहुत कम करंट यहां से पास होनी चाहिए। तो उसका मतलब ये हुआ इसकी रेजिस्टेंस क्या है, इसकी रेजिस्टेंस ऑलरेडी हमने बता दिया इट इज अबाउट 60 ओम, 60 ओम इज रेजिस्टेंस। तो इसकी रेजिस्टेंस क्या होनी चाहिए, इसके एज कम्पेयर टू 60 ओम इसकी रेजिस्टेंस बहुत कम होनी चाहिए, बहुत ही कम, अगर 30 रखें 60 रखें तो यहां से 1.5 यहां से 1.5 और उससे भी गला अंतर चल जाएगा। तो जब हम कैलकुलेट करेंगे कैलकुलेशन से भी पता चलेगा कि इसकी रेजिस्टेंस बहुत कम होनी चाहिए, इसकी रेजिस्टेंस बहुत ही कम, लेस देन 1 ओम, दिस इज क्रिएटिव इट शुड बी लेस देन 1 ओम, तो वह हम देखेंगे बाद में। तो इसकी रेजिस्टेंस इतनी होनी चाहिए, तो वही लो वैल्यू रेजिस्टर हम पार्लर में कनेक्ट करेंगे इसमें अक्रॉस द गैलवेनोमीटर। तो इससे क्या होगा, जब हम यहां से यहां मान लीजिए ये 2 ओम रेजिस्टेंस है या 3 ओम, मान लीजिए यहां पे 5 ओम रेजिस्टेंस है, अगर यहां पे हम 0.001 ओम रेजिस्टेंस लगाएंगे तो उससे क्या होगा, उससे ये होगा जो 3 एम्पियर करंट है जिसमें से कुछ करंट यहां से जाती थी कुछ यहां से, अब अगर यहां पे 0.01 ओम वाले रेजिस्टेंस हमें लगाए तो बहुत कम रेजिस्टेंस है यहां से, तो इट मीन्स दैट मोस्ट ऑफ द करंट विल फॉलो दिस ट्रैक। तो यहां से तकरीबन 2.99 एम्पियर करंट जाएगी, यहां से तकरीबन 0.01 एम्पियर करंट जाएगी अंडर दिस कंडीशन, इज दिस क्लियर टू यू। तो यहां से तकरीबन सारी की सारी करंट यहां से जा रही है, सेम इज केस हियर, यहां भी हमें क्या करना है, यहां भी हमें इस तरह से करना है, इस तरह से रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दिए हैं उस वैल्यू का ताकि यहां से नेगेटिव करंट पास हो, खाली आईजी नॉट मोर देन आईजी, आई से ज्यादा यहां से करंट पास नहीं होनी चाहिए। जो रिमेनिंग करंट है इट इज ऑलमोस्ट 3 एम्पियर या स्लाइटली लेस देन 3 एम्पियर, वो सारी की सारी करंट यहां से निकलनी चाहिए। तो उसके लिए हम यहां पे पार्लर में एक लो वैल्यू रजिस्टर कनेक्ट करते हैं, इज इज क्लियर टू यू, लो वैल्यू रजिस्टर इज इज क्लियर। अब यहां से तकरीबन अगर 600 माइक्रो एम्पियर 3 एम्पियर में से निकालेंगे तो बाकी कितनी करंट रहेगी, वो होगी 2.9999 माइनस कीजिए, खुद ब खुद पता चलेगा 2.9994 समथिंग लाइक दैट, इतनी करंट। तो ये तकरीबन 3 के बराबर है, तकरीबन सारी की सारी करंट यहां से निकलेगी, इज इज क्लियर टू। तो इसका मतलब ये हुआ हमने जब ये छोटी रेजिस्टेंस लगाई तो यहां से जो करंट इसको यहां से जाना था अब ये डाइवर्ट होगी, बाईपास होगी, अब ये यहां से नहीं निकल रही है, नेगेटिव पोर्शन ऑफ द करंट विल गो थ्रू द गैलवेनोमीटर, ऑलमोस्ट एंटायर करंट विल फ्लो थ्रू दिस लो वैल्यू रेजिस्टर, इज इज क्लियर टू। एंड दिस इज कॉल्ड शंटिंग, इलेक्ट्रिसिटी को एक लाइन से दूसरी लाइन यानी कि ट्रांसफर करना फ्रॉम वन लाइन टू अनदर लाइन, ठीक है ना, तो उसको कहते हैं शंटिंग, जैसे रेलवे शंटिंग होती है, रेलवे में जिस तरह से शंटिंग होती है इस तरह से यहां पे भी शंटिंग होती है, टू डाइवर्ट द करंट इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम वन लाइन टू अनदर लाइन। इसको यहां से जाना था क्या, हमने छोटी वैल्यू रजिस्टर लगा दी तो ये इस यहां से निकल रही है, ठीक है ना, टू डाइवर्ट द इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम वन लाइन टू अनदर लाइन इज कॉल्ड शंटिंग। इस तरह से रेलवे ट्रैक पे भी शंटिंग होती है, तो अब जिस वजह से शंटिंग होती है उसके लिए हमने क्या कनेक्ट किया, लो वैल्यू रजिस्टर, देयरफॉर दिस लो वैल्यू रजिस्टर इज कॉल्ड शंट, क्योंकि इसी की वजह से जो इलेक्ट्रिसिटी है वो डाइवर्ट हो गई फ्रॉम वन लाइन टू अनदर लाइन, ऑलमोस्ट सारी की सारी करंट इलेक्ट्रिसिटी डाइवर्ट होगी फ्रॉम वन लाइन टू अनदर लाइन, देयरफॉर इट इज कॉल्ड शंट, इज इज क्लियर टू। जब हम ये शंट लगाते हैं अब ये गैलवेनोमीटर जो है अब ये गैलवेनोमीटर नहीं रहा, अब ये बन गया एमीटर। अब हमने शंट लगाया तो अब इसको बॉक्स में इस तरह से बंद करते हैं, देन इट्स कॉल्ड व्हाट, एमीटर, कन्वर्टेड एमीटर, इज इज क्लियर टू। अब ये एमीटर बन गया, ठीक है, कब बनता है एमीटर, जब हम यानी कि शंट लगाते हैं पावर में, लो वैल्यू रजिस्टर कनेक्टेड इन पावर अक्रॉस द गैलवेनोमीटर, इज इज क्लियर। तो शंट लगा दिया, ये एमीटर बन गया, अब ये करंट रीड करेगा कितनी, अब 600 माइक्रो एम्पियर रीड नहीं करेगा, इट विल रीड नाउ मैक्सिमम पावर 3 एम्पियर।
अब आप कहोगे कैसे गोलोमीटर में इतनी ही करंट जाती है, श्री कृष्ण में पहले भी जाती थी, अब भी श्री कृष्ण माइक्रो एम्पियर ही करंट जाएगी इसमें या इससे कम, ठीक है, करंट तो उतनी जाएगी। अगर अब डिवाइस इतना नहीं है, अब इसके साथ ये रेजिस्टेंस भी है, अब ये यहां से अगर टर्मिनल ले लेंगे तो ये एमीटर कहलाएगा, अगर ये इस दो इन ये दो पॉइंट्स लेंगे एज टर्मिनल तो इसको कहेंगे हम व्हाट गैलोनोमीटर, उस वक्त खाली गैलोनोमीटर है, इज क्लियर। तो अब ये जो दो टर्म्स है गैलोनोमीटर के टर्म्स नहीं है, अब ये है किसके एमीटर के टर्मिनल्स। तो अब यहां से करंट आ रही है, एमीटर में जा रही है कितनी 3 एम्पीयर करंट। अब स्केल जो है ना ये चेंज हो जाएगी, अब ये पहले रीड करती थी इस तरह से 20 माइक्रो एम्पीयर, 200 माइक्रो एम्पीयर, 400, अब ये वैल्यूज रीड नहीं करेंगे, डिविजन इतनी रहेगी तो वैल्यूज डिफरेंट हो जाएगी, अब स्केल चेंज हो जाएगी। वो किस तरह से, तो वो मैं दिखा दूंगा यहां पे। अब एक और नई स्केल होगी जब हम उसको शंट लगाएंगे या एमीटर में कन्वर्ट करेंगे, अब स्केल इस तरह से होगी। दिस स्केल इज फॉर गैल्वेनोमीटर एंड दिस स्केल इज फॉर एमीटर, कन्वर्टर एमीटर, जो हमने कन्वर्ट यानी कि ग्राउंड को कन्वर्ट किया किसमें एमीटर में, ये उसकी स्केल है, अब उसकी स्केल दिखाएंगे, ठीक है। अब हमने ये शर्ट लगा दिया, अब इस शर्ट का वैल्यू क्या होना चाहिए वो बाद में बता दूंगा, तो उसके लिए एक्सप्रेशन डिराइव करेंगे, पहले मैं बता दूंगा हमने सूटेबल वैल्यू के शर्ट रेशियो से यहां पे लगा दी, अपनी मर्जी से नहीं चलेगी, इस पर देखना है कि उसका वैल्यू कितना होना चाहिए, वो बाद में दिखाएंगे। मान लीजिए सूटेबल वैल्यू के रेशियो से हमने लगा दिया, हमने अभी बन गया मीटर, अब स्केल क्या होगी, अब लास्ट डिविजन पे जब होगी होगा पॉइंटर, वो रीड करेगा इस तरह से, जब एमीटर बनेगा, जब पॉइंटर होगा लास्ट डिविजन पे 30 डिविजन पे, अब करंट 600 माइक्रो एम्पीयर नहीं होगी, अब करंट होगी 3 एम्पीयर। इज दिस क्लियर। जब हम शंट लगाएंगे आफ्टर कनेक्टिंग ए शंट अक्रॉस अ गैलोनोमीटर, इज दिस क्लियर। ओके, अब लास्ट डिविजन पे 3 एम्पीयर करंट है, अब देखेंगे इसका जो लीस्ट काउंट, गैलोनोमीटर के लिए कहते थे फिगर ऑफ मेरिट, अगर जब ये एमीटर में कन्वर्ट होगा इसको फिगर ऑफ मेरिट ले जाते हैं, डेफिनेशन वही है मगर इसके लिए हम कहते हैं लीस्ट काउंट। नाउ अब रेंज शर्ट लगाया, रेंज ऑफ एमीटर, अब इसका रेंज कितना होगा, आई से रिप्रेजेंट करेंगे, इट इज इक्वल टू 3 एम्पीयर। आई जी से रिप्रेजेंट करते हैं रेंज किसका, हम गैलोमीटर का, ठीक है। और अब रेंज एमीटर बन गया, एमीटर का रेंज दिखाना है, दैट इज 3 एम्पीयर, इज इट क्लियर, ये 3 एम्पीयर है। नंबर ऑफ डिविजन उतने ही रहेंगे, हाउ मेनी डिविजन आर देयर, 30 डिविजन, देयरफॉर अगर 30 डिविजन है 3 एम्पीयर यानी कि फुल स्केल डिफ्लेक्शन रेंज इसका है, तो लिस्ट काउंट क्या होगा, लिस्ट काउंट यहाँ पे फिगर ऑफ मेरिट नहीं कह सकते, फिगर ऑफ मेरिट हम यूज करते हैं किसके लिए, जनरली गैलोमीटर के लिए, तो एमीटर हो वोल्ट मीटर हो तो उसके लिए हम लिस्ट काउंट टर्म यूज करते हैं। लिस्ट काउंट किसके बराबर है, रेंज दैट इज 3 एम्पीयर डिवाइड बाय नंबर ऑफ डिजन दैट इज 30, डिवाइड कीजिए व्हाट विल यू गेट 0.1 एम्पीयर पर डिविजन। इट मीन्स दैट व्हेन द पॉइंटर विल बी एट फर्स्ट डिविजन, फर्स्ट डिविजन पे उस वक्त ये कितनी करंट रीड करेगा, तो यहां से मैं दिखा दूंगा, इसको प्रोड्यूस करेंगे आगे, तो ये स्केल होगी, उस वक्त करंट होगी 0.1 एम्पीयर, इज दिस क्लियर। जब ये सेकंड डिविजन पे होगा तो 0.2, थर्ड डिविजन पे 0.3, टेंथ डिविजन पे इसको प्रोड्यूस कीजिए आगे, तो उस वक्त करंट कितनी होगी, उस वक्त होगी करंट 1 एम्पीयर, 1.0 एम्पीयर, क्लियर, 1 एम्पीयर करंट। अब अगर 20 डिविजन पे होगा पॉइंटर, उस वक्त करंट क्या होगी, उस वक्त होगी 2.0 एम्पीयर करंट। अब 30 डिविजन पे उस वक्त करंट होगी 3.0 एम्पीयर, क्लियर, ठीक है। ये स्केल बनी है नई स्केल जब हम इसको एमीटर बनाते हैं, ठीक है। एमीटर में कितनी करंट एंटर हो रही है, 3 एम्पीयर,
उसमें से अगर मान लीजिए 3 एम्पीयर करंट आ रही है तो ये दिखाएगा फुल स्केल डिफ्लेक्शन, क्योंकि यहाँ से आईजी करंट जाएगी, रिमेनिंग करंट गो थ्रू द शंट, यहाँ से वापस उसी करंट निकलेगी जितनी इसमें पास हुई थी। मान लीजिए अब 2 एम्पीयर करंट आ रही है, अगर 2 एम्पीयर करंट आएगी उस वक्त यहाँ से जाएगी कितनी 400 माइक्रो एम्पीयर करंट रेशियो के हिसाब से, जो मैंने पहले बता दिया उस करंट रेजिस्टेंस रेशियो जो है उसी के हिसाब से, तो यहां से कितनी करंट जाएगी 400 माइक्रो एम्पीयर। तो पॉइंटर होगा 20th डिवीजन पे, ठीक है। तो उस वक्त रीड क्या करेगा, ये एक्चुअली करंट तो इतनी जा रही है और इसके लिए रीड करेगा वो 2 एम्पीयर करंट यहां से आ रही है, इज दिस क्लियर। इसी तरह से अगर 1 एम्पीयर करंट यहां से आएगी, यहां से निकलेगी किलोमीटर में पास होगी 200 माइक्रो एम्पीयर खाली, तो ये 10th डिवीजन पे आएगा, मगर रीड क्या करेगा 1 एम्पीयर करंट, उसका मतलब है यहां से 1 एम्पीयर करंट आएगी। तो इस तरह से ये गैल्वेनोमीटर को हमने एमीटर में कन्वर्ट किया है। तो इस तरह से करते हैं, सिंपली कनेक्ट के शंट रेजिस्टर। अब इसकी रेजिस्टेंस हम अपनी मर्जी से शंट रेजिस्टेंस नहीं लगाते, इसका एक पर्टिकुलर वैल्यू होना चाहिए। दैट डिपेंड्स अपॉन व्हाट, दैट डिपेंड्स अपॉन द रेजिस्टेंस ऑफ द गैल्वेनोमीटर, दैट डिपेंड्स अपॉन द रेंज ऑफ द गैल्वेनोमीटर, दैट डिपेंड्स अपॉन द रेंज ऑफ द एमीटर, एमीटर का रेंज क्या है उस पर भी डिपेंड। तो वो हम अब उसके लिए एक्सप्रेशन दे रहे हैं, ठीक है, उसी के साथ ही कैलकुलेट करेंगे हम, पहले एक्सप्रेशन डिराइव करेंगे। तो यहां पे दिखाएंगे हम अब ये मान लीजिए गैल्वेनोमीटर है हमारे पास जी विद रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर, इसके 2 टर्मिनल्स है, इस पॉजिटिव टर्मिनल, दिस नेगेटिव टर्मिनल, ठीक है। अब यहां से करंट आ रही है आई, सपोज इट इज ग्रेटर देन आई जी, ठीक है, मच ग्रेटर देन आई जी, अगर आई जी से ज्यादा है, ठीक है, तो हम क्या करते हैं इसके पैरेलल में एक लो वैल्यू रेजिस्टर लगाते हैं जिसको हम कहते हैं शंट। इसकी रेजिस्टेंस क्या होनी चाहिए, मच स्मॉलर देन दैट ऑफ जी, ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। एस क्या होना चाहिए, मच स्मॉलर देन दैट ऑफ जी, ठीक है। That depends upon the what range, ये जरूरी नहीं कि मच स्मॉलर होगा, स्मॉलर भी होगा, या इन दिस अंडर दिस कंडीशन इट इज मच स्मॉलर देन द जी, इसके लिए जितना हम रेंज बढ़ाएंगे एमीटर का उतना ही शंट रेजिस्टेंस का वैल्यू कम होना चाहिए। ओके, अभी शंट लगा दिया हमने, ठीक है, यहां से करंट आ रही है आई, तो यहां पे जब जंक्शन ए पे पहुंचेगी या फिर जंक्शन बी है तो ये डिवाइड होगी, तो यहां से निकलनी चाहिए ज्यादा से ज्यादा आई जी करंट, रिमेनिंग करंट यहां से निकलनी चाहिए, दैट इज आई माइनस आई जी, इज दिस क्लियर, यहां से जानी चाहिए थ्रू द शंट रेजिस्टर। फिर यहां से भी कितनी करंट निकलेगी आई जी, यहां से आ रही है कितनी करंट आई जी करंट, ये दोनों करंट से यहां पे मिल जाएगी, तो वापस जितनी करंट इसमें एंटर हुई थी उतनी करंट यहां से वापस निकलेगी, दैट इज आई, इज दिस क्लियर। अब यहां पे हम यूज करेंगे किरचॉफ्स अकॉर्डिंग टू किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, वोल्टेज लॉ, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ यूज करेंगे हम यहां पे फॉर क्लोज लूप, क्लोज लूप क्या ले लेंगे यहां से ए बी सी डी, ए बी सी डी ए इज अ क्लोज लूप, तो यहां से स्टार्ट करेंगे हम ए बी सी डी ए, यहां से स्टार्ट होगा, ओके यहां से स्टार्ट करेंगे, पाथ इस तरह से दी हमने क्लॉक वाइज सेंस में, इसमें करंट फ्लो हो रही है आई जी, इसके रेजिस्टेंस से जी, इसके अक्रॉस कितना ड्रॉप होगा आई जी जी, फिर मूव करेंगे बी टू सी, देर इज नो रेजिस्टेंस देर फॉर नो ड्रॉप, देन सी टू डी देर इज रेजिस्टेंस, इसलिए यहाँ पे ड्रॉप होगा, ठीक है, तो कितना ड्रॉप होगा करंट रेजिस्टेंस, और डायरेक्शन ऑफ पावर डायरेक्शन करंट अपोजिशन पे माइनस आएगा, तो करंट इसमें कितनी फ्लो हो रही है आई माइनस आई जी इंटू रेजिस्टेंस इट इज एस इज इक्वल टू नेट एएमएफ इन द लूप, देर इज नो एएमएफ देयरफॉर यहाँ पे जीरो आएगा, इज दिस क्लियर। तो अब यहां पे एस यहीं पे रहेगा, या पहले इस तरह से लिखेंगे आई जी माइनस जी आई माइनस, ये शिफ्ट करेंगे यहां पे, ये बनेगा माइनस आई जी एस आई जी जी, माइनस माइनस कैंसल्स, एस यहां पे रखेंगे, ये शिफ्ट करेंगे यहां पे, ये बनेगा आई जी इंटू जी डिवाइड बाई
I minus Ig. Is it clear? This is the expression for the measurement of the shunt resistance. तो शंट रेजिस्टेंस किस वैल्यू की शंट रेजिस्टेंस हमें यहाँ पे लगानी है अक्रॉस द गैलोनोमीटर नाउ टू कन्वर्ट इट इन टू एमीटर ऑफ गिवन रेंज. तो दैट डिपेंड्स ऑन व्हाट रेंज ऑफ द गैलोनोमीटर. पहले गैलोनोमीटर का रेंज क्या है, मैक्सिमम करंट इसे कितनी हम मेजर कर सकते हैं, 600 माइक्रो एम्पियर. फिर जी रेजिस्टेंस ऑफ गैलोनोमीटर इसके हिसाब जो हमने पहले ज़ूम किया था 60 ओम. तो I is the range of emitter into which it is to be converted. Emitter में इसको convert कर रहे हैं उसका range क्या है, हमने दिया था 3 एम्पियर. तो 3 एम्पियर 3 है यहाँ पे put कर रहे हैं, Ig put कर रहे हैं. After putting the values you will get what the resistance, shunt resistance which is to be connected here in order to convert into an emitter of range 3 एम्पियर. Is this clear to you? ये इसके लिए expression है. अब देखेंगे, अब हमने ये connect कर दिया यहाँ पे. अभी जो पूरा जो अरेंजमेंट है ये रखते हैं एक बॉक्स में. यहाँ से एक विंडो होती है, विंडो से हमें स्केल दिखती है, तो इसी को कहते हैं एमीटर. अब एमीटर की रेजिस्टेंस क्या होगी, एमीटर की रेजिस्टेंस क्या होगी. अब एमीटर की रेजिस्टेंस जो होगी, अब यहाँ पे एमीटर का टू रेजिस्टेंस दैट इज जी एंड एस, दे आर कनेक्टेड पैरेलल टू ईच अदर. जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगी एमीटर की वो होगी रेसिप्रोकल ऑफ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इक्वल टू 1/G. पहले कॉम्बिनेशन जो ला है वो यूज कीजिए, 1/S क्रॉस मल्टीप्लाई जी एस, यहाँ पे आएगा जी प्लस एस 1/R. रेसिप्रोकल देखिए R इज इक्वल टू जी एस डिवाइड बाई जी प्लस एस. दिस गिव्स द नेट रेजिस्टेंस ऑफ द एमीटर. ठीक है, एमीटर सेंट्रिफ्यूगल एमीटर. इसी क्या शंट गैलोमीटर को हम एमीटर कहते हैं, हमने इसको शंट कर दिया एंड द शंट गैलोमीटर इज कॉल्ड एमीटर. ये याद रखना है. ओके, अब इसमें जो शंट गैलोमीटर जो है इसमें दो रेजिस्टर्स हमने पैरेलल में कनेक्ट कर दिए. एज यू नो दैट अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स, जो इक्विवेलेंट रेजिस्टर्स होती है पैरेलल कॉम्बिनेशन की वो होती है लेस देन द लीस्ट, लेस देन द लीस्ट. इसमें लीस्ट रेजिस्टेंस कौन सी है, एस की, शंट की, वो होती है तकरीबन 0.001 समथिंग लाइक दैट. वो अभी कैलकुलेट करेंगे एग्जांपल से. तो बहुत कम रेजिस्टेंस होती है. अब जब हमने इसको पैरेलल में कनेक्ट किया, अब जो एमीटर बन गया, एमीटर की रेजिस्टेंस क्या होगी, इससे भी कम. ठीक है ना, अकॉर्डिंग टू द पैरेलल लॉ ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स, तो जो रेजिस्टेंस होगी आर एमीटर की, इट वुड बी लेस देन द लीस्ट रेजिस्टेंस इन द नेटवर्क इन द पैरेलल कॉम्बिनेशन. तो लिस्ट क्या है, एस, इससे भी काम होगी. इज दिस क्लियर टू यू? तो एमीटर की रेजिस्टेंस क्या होती है, बहुत कम, लेस देन 1 ओम. एमीटर की रेजिस्टेंस बहुत कम होती है, लेस देन 1 ओम जनरली. इसीलिए हम बहुत ही कम, 1 ओम से भी बहुत कम है, देखेंगे अभी पता चलेगा. तो इसीलिए इट इज ड्यू टू दिस रीजन दैट जो एमीटर होता है ये हम सीरीज में कनेक्ट करते हैं, क्योंकि इसकी रेजिस्टेंस बहुत कम होती है और उसकी वजह से जो सर्किट की रेजिस्टेंस होती है उस पर उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा. जब इफेक्ट नहीं पड़ेगा, नेगलिजिबल इफेक्ट पड़ेगा. इसलिए जो सर्किट करंट होगी वो भी चेंज नहीं होगी. इज दिस क्लियर टू यू? इट इज ड्यू टू दिस रीजन दैट एमीटर इज कनेक्टेड इन सीरीज. ठीक है, ओके. अब यहाँ पे एग्जाम्पल देखेंगे, एक एग्जाम्पल कंसिडर करेंगे जो पहले हमने कंसिडर कर दी, उसको कंप्लीट करते हैं, फिर देखते हैं इस शंट रेजिस्टेंस का वैल्यू कितना आएगा. ठीक है, इसी के साथ ही कंक्लूड करेंगे हम. अब देखिए यहाँ पे जो शंट रेजिस्टेंस है, तो इसके लिए हमने डिराइव की थी अभी रिलेशन, वो है आई जी टू जी डिवाइड बाय आई रेंज ऑफ द एमीटर माइनस इज यहाँ पे क्या लिखा था, I माइनस आई जी. इज क्लियर? ओके, दिस इज द रिलेशन. वट इज आई जी हेयर, जो हमने पहले एग्जाम्पल ले ली थी, इट इज आई जी इज रेंज इट इज 600 माइक्रो एम्पियर. इसको एम्पियर में कन्वर्ट करना है या कैलकुलेशन करनी है, तो ये बनेगा 600 × 10⁻⁴ एम्पियर. इसी तरह से जी रेजिस्टेंस वो है 60 ओम हमने यूज कर दिया था. इज दिस क्लियर? अब रेंज ऑफ एमीटर इन टू विच गैलोमीटर इज टू बी कन्वर्टेड वो कितना है, रेंज उसका 3 एम्पियर मैक्सिमम करंट टू बी मेजर्ड, दैट इज 3 एम्पियर. 3 एम्पियर रेंज का बनाना है हमें.
अब ये वैल्यूज यहाँ पे पुट करेंगे एस, व्हाट विल यू गेट, आई जी का है 6 × 10⁻⁴ इंटू जी है 60 डिवाइड बाय आई, आई कितना है 3 एम्पियर माइनस आई जी, आई जी कितना है 6 × 10⁻⁴। इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं 6 × 6 = 36 × 0 × 10⁻⁴ डिवाइड बाय 3 × 10⁻⁴ हम कॉमन ले लेंगे यहां से, ये बनेगा 3 × 10⁻⁴ - 6 बाहर आएगा 10⁻⁴, ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, यू विल गेट 360 डिवाइड बाय ये बनेगा 30,000 3 × 1, 2, 3, 4 0s 30,000 है ये माइनस 6, 30,000 में से 6 माइनस कीजिए, व्हाट विल यू गेट 360 डिवाइड बाय 2, 9, 9, 9 and 4। ठीक है, इसको डिवाइड करेंगे तो निकलेगा क्या, तो कैलकुलेटर से करेंगे कैलकुलेटर है तो करना क्या, हमें 360 डिवाइडेड बाई 2, 9, 9, 9, 4। ठीक है, 360 डिवाइड बाई 2, 9, 9, 9, 4। ठीक है, ये निकलता है 0.012, इट इज नियरली इक्वल टू 0.0120 ओम। देखो कितनी रेजिस्टेंस निकली है, शर्ट रेजिस्टेंस जो हमें लगाना है यहाँ पे इसके पैरेलल में, उसकी रेजिस्टेंस कितनी कम होनी चाहिए, इट इज नॉट लेस देन 1 ओम, इट इज मच स्मॉलर देन 1 ओम, इट इज अबाउट 1/100 of 1 ओम। अब देखिए 1/100 of 1 ओम इज अबाउट 1/100 of 1 ओम, दिस रेजिस्टेंस इज रिक्वायर्ड। तो हम इसको इस तरह भी देख सकते हैं, 12 × 10⁻³ - 3 ओम 12 mΩ रेजिस्टेंस इज रिक्वायर्ड, ठीक है ना, टू कनेक्ट इट इन पैरेलल अक्रॉस द गैल्वेनोमीटर, ठीक है ना, पैरेलल में इसको कनेक्ट करने के लिए, ताकि ये कन्वर्ट हो जाए, जब इस वैल्यू के रेजिस्टेंस यहां पे हम कनेक्ट करेंगे इस गैल्वेनोमीटर के अक्रॉस, तब ये बनेगा एमीटर, उसका रेंज होगा 3 एम्पियर। इस क्रिएटिव तो ये इस तरह से मैंने दिखा दिया एग्जाम्पल से भी, तो ये शंट जो है इसकी रेजिस्टेंस कितनी कम होनी चाहिए, नेग्लिजिबल एज कम्पेयर टू द रेजिस्टेंस ऑफ द गैल्वेनोमीटर। अगर हम इसका रेंज और बढ़ाएंगे, याद ये एमीटर बन गया, इस एमीटर का भी और रेंज बढ़ा सकते हैं, ये 3 एम्पियर है, इसको 6 एम्पियर का बना सकते हैं, 10 एम्पियर का बना सकते हैं, तो हमें एक और शंट लगाना पड़ेगा फिर, ठीक है, अगर फिर से रेंज इंक्रीज करना है तो दूसरा शंट इसी तरह से लगाना पड़ेगा, कैलकुलेशन इसी तरह से करनी है। तो हम एमीटर इसी तरह से, एमीटर जो है ऑलरेडी एमीटर हमारे पास है, 3 एम्पियर का एमीटर हमारे पास है, हम उसको 6 एम्पियर बनाना चाहते हैं, तो उसको एक और शंट लगाएंगे हम खुद, तो वो उसका रेंज उस तरह से इंक्रीज हो जाएगा। इज दिस क्लियर टू यू, इस तरह से मैंने दिखा दिया डिटेल में, इस तरह से हम गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कन्वर्ट करते हैं विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल। ओके, अब आगे हम वोल्टमीटर में कैसे हम गैल्वेनोमीटर को कन्वर्ट करते हैं वो नेक्स्ट लेक्चर में दिखाएंगे। टिल देन गुड बाय।